और बैटल ग्राउंड से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनबास में भीषण जंग की अब आशंका बढ़ गई है। डोनबास डोनेस के आसमान में दिखे फाइटर जेट। रूस ने डोनबास को आजाद कराने की कही थी बात। देखिए किस तरीके से लगातार रशिया ने पूर्वी यूक्रेन को टारगेट करने की बात कही थी और ऐसे में डोनबास पर फोकस किया था। और अब जो आशंका जताई जा रही है वो ये कि डोनबास में अब भीषण जंग हो सकती है। डोनबास साथ साथ डोनेस और लुहांस के भी इलाके में आसमान में फाइटर जेट दिखाई दे रहे हैं। रूस ने डोनबास को आजाद कराने की बात कही थी। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास और डोनेस के आसमान में उड़ान भर रहे सुखोई फाइटर जेट्स ने लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जब से रूस की ओर से ऐलान किया गया है कि उसकी सैन्य अभियान का पहला चरण पूरा हो चुका है और अब उसका फोकस डोनबास को आजाद कराने का है, तब से डोनबास और डोनेस में पहले से जारी जंग के भीषण होने की अटकलें तेज हो गई हैं। जंग के 36वें दिन भी रूस यूक्रेन के किसी बड़े शहर पर पूरी तरह से कब्जा करने में नाकाम रहा है। जंग में रूस यूक्रेन के सामने कहीं नहीं ठहरता। वो अब तक रूस के सामने टिक पाया है तो इसकी वजह है यूक्रेन को पड़ोसी मुल्कों से मिल रही सैन्य मदद। जहां रूस के पास 772 फाइटर जेट्स हैं, तो वहीं यूक्रेन के पास महज 112 जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन की सेना को पोलैंड, बुल्गारिया, स्लोवाकिया से 70 MiG-29 और सुखोई 25 फाइटर जेट्स अब तक मिल चुके हैं। रूस डोनबास को आजाद कराने की बात कहकर संकेत दे चुका है कि आने वाले कुछ घंटों में पूर्वी यूक्रेन में दोनों पक्षों के बीच बेहद भीषण जंग देखने को मिल सकती है, जिसके संकेत आसमान में उड़ान भरते इन फाइटर जेट से मिलने लगे हैं। युद्ध की बड़ी खबर आपको बताएं, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जर्मन चांसलर का बयान आया है। यूक्रेन के सुरक्षा के गारंटर के रूप में काम करेगा जर्मनी। जर्मन चांसलर का कहना है कि यूक्रेन के सुरक्षा के गारंटर के रूप में जर्मनी काम करेगा। इस युद्ध के बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूक्रेन की सुरक्षा का गारंटर बनेगा जर्मनी। ये बात खुद जर्मन चांसलर ने कही है। और बात इस वक्त की एक और अहम खबर की कर लेंगे। इरपिन में नरसंहार का खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। कई हफ्तों पहले सड़कों पर हुआ कत्लेआम, एक बार फिर इरपिन पर कब्जे का यूक्रेनी दावा। सड़कों पर अभी भी जहां तहां पड़े हैं शव। देखिए किस तरीके से रशिया की ओर से लगातार एक के बाद एक वहां पर हमले किए जा रहे थे और एक हफ्ते पहले की बात है जबकि नरसंहार का खौफनाक मंजर दिखाई दिया था सड़कों पर। कई हफ्तों पहले सड़कों पर कत्लेआम हुए थे और अब एक बार फिर इरपिन पर कब्जे का बड़ा दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। सड़कों पर अब भी जहां तहां शव दिखाई दे रहे हैं। जंग का दर्द यूक्रेन के इरपिन शहर से आई इन खामोश तस्वीरों से महसूस किया जा सकता है। चारों तरफ बर्बादी का ऐसा मंजर है जिसको शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। इरपिन में कई हफ्तों पहले एक ऐसा खौफनाक नरसंहार हुआ जिसकी गवाही ये खौफनाक तस्वीरें दे रही हैं। सड़कों पर जगह जगह लाशें पड़ी हुई हैं, जिन्हें उठाने वाला भी अब इस शहर में कोई नहीं बचा है। पूरे शहर में जिस तरफ निगाह डालेंगे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का ही मंजर देखने को मिलेगा। यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे से इस इलाके को आजाद कराने का दावा किया है। जब यूक्रेन की आर्मी इरपिन पहुंची, तब इस दर्दनाक मंजर को जिसने देखा उसकी आंखें भर आईं। यूक्रेन का दावा है कि इरपिन में रूस की आर्मी ने जो जहां मिला उन पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। घर, गाड़ियां, पुल, स्कूल, सब कुछ यहां तबाह हो चुका है। जंग एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन इस जंग से मिले जख्म कब भरेंगे ये कहना मुश्किल है।